पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एसएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मेरठ के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा में एसएस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार उतारने की बात की गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि एसएस पार्टी स्वर समाज की पार्टी है, जो संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। एसएस पार्टी उत्तर प्रदेश में स्वर समाज की बाहुबल 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की सरकार को तीनों प्रदेशों से उखाड़ फेंका। तब हम सब लोगों ने बैठ करके, हमारे बीच में भंवर सिंह जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण समाज के का नेतृत्व कर रहे थे, आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है सहमति से सर्व समाज पार्टी का, और ये तय किया गया कि सर्व समाज पार्टी हम आज घोषणा कर रहे हैं, सर्व समाज पार्टी खड़ी कर रहे हैं, और हमारी पार्टी देश के अंदर सब स्वर्ण समाज का नेतृत्व करते हुए उनके हितों के लिए संघर्ष करेंगे और अपने आने वाले 19 के चुनाव में जहां भी देश के अंदर स्वर्ण समाज की बाहुल्य सीटें हैं, हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कहां की ये इंसाफ है, कहां का ये संविधान है, कौन सा ये कानून है? ये आरक्षण दें लेकिन सिर्फ गरीब को पढ़ाने में, उसकी फीस माफ करने में, उसको किताब दें, ड्रेस दें, लेकिन कंपटीशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी समाज का, जो जीता वही सिकंदर, उसी को गोल्ड मेडल मिलेगा, जो फर्स्ट आया उसी का संरक्षण होना चाहिए। योग्यता को सलाम किया जाता है, योग्यता को सर्वोपरि माना जाता है, तो योग्यता को ही सर्वोपरि माना जाए, योग्यता के आधार पर वो उसका संरक्षण होना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन के नाम पर, ना कि जातिवाद के नाम पर। तो हम इन सब चीजों पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पार्टी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां हम बाहुबल हैं, अपने ही भाइयों से, अपने समाज से वोट मांगेंगे, ना कि हम अदर समाज से। क्यों? ना तो हमें यादव वोट देगा, ना ही हमको बीएसपी का वोट देगा, ना हमें लोकदल का वोट मिलेगा, हमें किसी समाज का और वोट नहीं मिलेगा।